कमांड सेंटर लोग सब सेंटर में देखे लाइट की तरफ प्रोडक्शन जो है उसके बारे में बताइए कि क्या एसोसिएशन है उसका। ओके सो ये हमारा ग्रैंड मीडिया लॉन्च है मिसेस इंडिया यूनिवर्स सीजन 5 का और लास्ट सीजन वी हैड इन गोवा और आज हम लोग इसका ग्रैंड मीडिया लॉन्च कर रहे हैं और आप लास्ट 5 इयर्स से 5 सीजन आप कवर करते आए आपको ऑलमोस्ट सारा कॉन्सेप्ट मालूम है। सो बेसिकली हम मैरिड वुमेन के लिए ये पैजेंट है मिसेस इंडिया यूनिवर्स है तो ऑब्वियसली तो हम लोग ऑल ओवर वर्ल्ड से टैलेंट को ढूंढ के लेकर आते हैं अपने शो पे और उसका ग्रैंड फिनाले होता है उसकी ग्रूमिंग सेशंस होते हैं बहुत सारे सेलिब्रिटीज होते हैं ग्रूमर ट्रेनर और इसके बाद जो हमारे विनर्स होते हैं वो लोग जाते हैं इंडिया को रिप्रेजेंट करने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे। जैसे कि आज हम कुछ अराउंड 6 हमारे विनर्स का क्राउनिंग करने वाले हैं तो उसमें से कुछ लोग मिसेज यूनिवर्स मिसेज वर्ल्ड वाइड मिसेज वुमन ऑफ द यूनिवर्स और मिसेज ग्लोब में आज जाने वाले। तो आपका जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया होता है बेसिकली वो क्या आधार क्या होता है जो आपने सेलेक्ट किया जितने कंटेस्टेंट को जितने को क्राउन कर रहे हैं व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर दैट। क्राइटेरिया हम लोगों का एज एंड हाइट देयर इज नो क्राइटेरिया मतलब लाइक हम लोग हाइट और वेट पे हम लोग काम नहीं करते हम लोग काम करते हैं उनका पोटेंशियल उनका जो सोशल एक्टिविटीज है कितने वो अपडेटेड है सोशल मीडिया पे या सोशल एक्टिविटीज के लिए। और जब यहाँ पे आते हैं वो प्लेटफॉर्म मिलता है आगे आप उनसे कितना ज़्यादा मेंटोरशिप करते हैं कितना ज़्यादा गाइड करते हैं आगे अपने आपके सामने ही है ये लास्ट ईयर के विनर है हमारे 2021 के जो आप इंटरनेशनल रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं 2022 में और कंपटीशन भी काफ़ी टफ है काफ़ी सारे फैशन शोज हो रहे हैं काफ़ी सारे ब्यूटी पेजेंट हो रहे हैं तो उसमें अपने आप को अलग कैसे दिखाने की कोशिश करते हैं आप। सबका अपना अपना अलग प्लेटफॉर्म है सब अलग अलग ही है इसमें कुछ अलग दिखाना या कुछ करना हाँ बस ये हम कह सकते हैं कि बेस्ट टू बेस्ट हम सर्विसेज बेस्ट टू बेस्ट ग्रूमिंग सेशन ट्रेनिंग ट्रेनर्स लाइक अलीसिया राउत हमारी ऑफिशियल रैंपॉक ट्रेनर है शो के लिए। ब्यूटी पेजेंट तो करते ही हैं और कुछ ऐसा है प्लान जो आप डिस्क्लोज करना चाहेंगे कुछ करने वाले हैं ग्लैमर इंडस्ट्री में सर इसी से ही कार टाइम नहीं मिलता तो आई गेस यही ज़्यादा बेस्ट है। तुषार जी एक सवाल आपसे है कि आपने कहा 5 साल 5th सीजन है लेकिन जहाँ तक मुझे याद है 7 साल हो चुके हैं बीच में 2 साल कोरोना पीरियड से आप कितने उससे प्रभावित थे कितने आपको परेशानियाँ उठाई। सर बिल्कुल प्रभावित नहीं थे आपको हम बता रहे थे कि हमने वर्चुअल पेजेंट किए थे उन 2 सालों में और हमने 5 सीजन किए उसके और लोगों ने बहुत अप्रिशिएट किया कि लोग जो घर में बैठ के मेंटल ट्रोमा या बहुत सारी चीज़ें जो फैमिली आप लोगों ने भी आप लोग हमसे ज़्यादा जानते हैं कि किस तरीके से लोगों ने फेस किया है तो उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट बनाया वर्चुअल पेजेंट के लिए जिसमें हम लोगों ने डोमेस्टिक वायलेंस से लेके वुमन एम्पावरमेंट काम किया और सक्सेसफुली 5 सीजन किए। थैंक यू आइए आपसे आपको मिलाते हैं आपको हमारे इसी पेशेंट से जुड़े हुए डॉक्टर सागर से। डॉक्टर सागर क्या हैं क्या खासियत है वो स्वयं बताएंगे। डॉक्टर सागर प्लीज। गुड इवनिंग एवरीवन। हिंदी हाँ चलेगा जैसे मिक्स चलेगा मिक्स। मैं डॉक्टर सागर अभी चंदानी डेंटल स्पेशलिस्ट हूँ। हमारे 2 क्लिनिक्स हैं एक लोकटवाला में है एक चेंबूर में है और जैसे ब्यूटी पैजेंट से हम लोग भी काफ़ी मॉडल्स पैजेंट के जो फाइनलिस्ट रहते हैं जो ऑडिशन करने जाते हैं उनका भी हम स्माइल मेकओवर्स करते हैं उनके भी डेंटल केयर पार्टनर्स रह चुके हैं तो इफेक्टिवली हमें पता है कि जो स्टेज पे रहता है जो कैमरा फेस करता है जो मीडिया बाइट्स देता है जो इंटरव्यू देता है जब वो बात करते हैं तो ऑफकोर्स सब उनके चेहरे को देखते हैं सब उनके बाल को देखते हैं उनके अटायर को देखते हैं बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है उनका स्माइल बिकॉज उनका स्माइल ही वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पोर्ट्रे कर सकता है वो आत्मविश्वास दिखा सकता है और चेहरे की चमक तो हम कहते ही हैं बट दांतों की चमक भी चेहरे की चमक को बहुत ही अच्छा फेवरेबल बना सकती है। तो मेरा रोल हर पैजेंट्स में यहाँ पे भी वही है जहाँ पे मैं उनके चेहरे पे वो मुस्कान लाता हूँ जहाँ वो स्टेज पे वो मुस्कान ला सकते हैं जीतने के बाद मुस्कान ला सकते हैं जब वो देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तब भी मुस्कान ला सकते हैं और देश को रिप्रेजेंट करने के बाद जब वो जीतते हैं तो पूरा देश मुस्कुराता है। जो विनर्स जाने वाले हैं आगे के शो में उनके लिए आ रही है मिसेस किरण। थैंक यू। सॉरी मिस किरण कोमल किरण।
हाई मीडिया फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन एंड आप से कुछ फेसेस एक्चुअली मेरे देखे हुए हैं, आप लोग कहीं जगह आते भी हैं. थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर टुडे एंड यस, आई एम अ ग्रूमिंग कोच एंड आई हैव बीन ग्रूमिंग वुमेन, गर्ल्स एंड किड्स सिंस मेनी इयर्स. नॉट ओनली ब्यूटी पेजेंट्स, एवरीथिंग रिलेटेड टू कॉम्प्रिहेंसिव मेकओवर. एंड तुषार जी का वर्क तो मैं इतने टाइम से देख रही हूँ, मतलब 5-6 ईयर्स से मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ. इनके साथ एक बार झूठी बन के आई हूँ, एक बार निकलते रेसर में आई हूँ. सो आई नो वन ऑफ द प्रीमियर लीडिंग पेजेंट्स आई अभी मुंबई में एंड दे आर डूइंग अमेजिंग वर्क. सो आई ऑलवेज सपोर्टेड दैम एंड विल ऑलवेज सपोर्ट दैम एंड आई विश ऑल द गर्ल्स लक एंड वंस अगेन थैंक यू. थैंक यू. नमस्ते, आई एम प्रिया सत्या बैंगलोर से हूँ एंड आई पार्टिसिपेटेड इन क्वारंटीन वीक जो मिसेस इंडिया यूनिवर्स ने अरेंज किया था. 2 साल हो गए पार्टिसिपेट कर रही हूँ, उसके बाद ही आई वाज सेलेक्टेड एज वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स फाइनलिस्ट फॉर मिसेस इंडिया यूनिवर्स जो गोवा में टाइटल हुआ. आई एम द विनर ऑफ द टाइटल मिसेस इंडिया यूनिवर्स यूनिवर्सल 2020-2021. मैं अभी इस प्लेटफॉर्म के बारे में क्या बताऊँ, आई मीन इट्स गिवन मी एवरीथिंग, नॉट जस्ट द टाइटल एंड क्राउन, इट्स गिवन मी अ लॉट ऑफ रेस्पेक्ट, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. बहुत चीज़ें हमें सीखने को मिली है फ्रॉम स्टार्टिंग जस्ट फ्रॉम द पोजिंग, कैमरा में पोज कैसे करना है, फैशन, बीट दैट, बेसिकली लाइक अ सेट, देव बीन लाइक अ फैमिली, देव ग्रूम्ड अस एज अ बिगर इन्फेंट्स, तो जैसे बच्चों के साथ किया जाता है, देव हैंड हेल्ड अस, देव गिवन अस अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर. एंड आई हैव ऑलवेज सेड दिस राइट फ्रॉम द बिगनिंग, हम लोगों को ऐसे मतलब सिखाया गया है एज इट इज़ लाइक बॉलीवुड की बात, राइट. एक्सट्रीमली हैप्पी विद दिस पर्टिकुलर. राइट, सो आई वुड बी रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म जो एज ऑन टूडे सपोज टू बी साउथ कोरिया दिसंबर में होने वाला है. तो आई एम वेरी वेरी प्राउड दैट आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड होपफुली यू नो वुड मेक इंडिया प्राउड. तो हमारा सिलेक्शन गोवा में हुआ था एंड एट वेरियस टास्क जहाँ पे I came out as this is India University. Lastly, what basically you do as a professional filmmaker, what is your profession? So I'm self-employed by profession. I've been married for 23 years, 23 years in December. और वैसे हम लोग ओवरसीज एजुकेशन में डील करते हैं, तो मी एंड माई हस्बैंड टुगेदर आर सेल्फ एम्प्लॉयड इन सेंस स्टूडेंट्स अब्रॉड टू स्टडी. बट ये जो एक्सपीरियंस है ये कम्प्लीटली डिफरेंट है, एज यू वुड नो दिस इज कम्प्लीटली ग्लैमरस फैशन काइंड ऑफ थिंग. तो हमें बिल्कुल ही इसमें कोई आई मीन आई हैड नो एक्सपीरियंस इन दिस, सो इट फील्स एक्सट्रीम. आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस एंड यू नो आई होप टू बी मेक इंडिया प्राउड. थैंक्स. लीजिए, आप लोग हम लोग देखते हैं मिसेस इंडिया यूनिवर्स, देख के 23 साल की शादी हो चुकी है लेकिन लगता है कि अभी तक कुंवारी है. ये है कमाल इसका. अब हम बुला रहे हैं मिसेस कुट्टी, आइए. अरे मुंडे जी, ये क्या मेरा नाम प्रीति सिंह है, आई एम रिप्रेजेंटिंग इंडिया ऑन द मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म अगेन. मैं अमेरिका में रहती हूँ, सो आई केम हियर फॉर दिस मिसेस इंडिया यूनिवर्स प्लेटफॉर्म इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म टू यूज एंड आई गॉट अटैच्ड टू द प्लेटफॉर्म बिकॉज दे कैश है बोलू कैश So the title that I won was this is India University, but internationally I will be representing MIU in this. So that pageant is happening end of this month, 31st of June. It's happening in US Palm Springs, so I will be So professionally, I'm a software engineer. I'm in the finance industry. I'm with banking. I do people management, project management for them. I am a wellness coach as well. I do modeling and acting in US as well. I've been married for 16 years. I have 2 kids, 9 years old and 14 years old.
14 years same, yeah, we have been in US. So that's the second home, but of course my third time in India, I'll always be in China. महिलाएं शामिल हो रही हैं, यही इसकी सफलता का राज है। अब हम बुला रहे हैं प्रसाद एसपी कंपनी रॉयल, प्लीज अपना नाम जैसा बढ़ावा बताइएगा थोड़ा सा, शायद सफल हो गया। आइए कम कम है। मैम स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन एंड समथिंग अबाउट मिसेस इंडियन यूनिवर्स एंड अबाउट तुषार सर। नमस्ते, मैम आपकी रॉयल हैव द विनर ऑफ मिसेस इंडियन यूनिवर्स इंटरनेशनल और तुषार से मेरी मुलाकात एक्चुअली दुबई में हुई थी। मैं दुबई से हूँ और वहीं पे मैं ऑडिशन के लिए गई थी एंड फ्रॉम देयर आई गॉट सेलेक्टेड। और उसके बाद तो लॉकडाउन हो गया था, सो आई वेट फॉर 2.5 ईयर्स एंड उसके बाद मुझे इस प्रेजेंट करने का मौका मिला मिसेस इंडिया यूनिवर्स में आने का मौका एंड देयर आई मेड द क्राउन ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स इंटरनेशनल। और हुआ भी हुआ था एंड ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन, आई ऑलवेज हैड अ गुड यू नो फ्रेंडली काइंड ऑफ रिलेशनशिप विद हिम बिकॉज़ इन वर्क इन एवरीवेयर ही हैज़ बीन हेल्पफुल and very kind and supportive in every way. I always had a good connection with all the team of him, so it was a great journey. And what about representing internationally? I mean, where are you going and what was it? Now internationally, actually I got the title of Miss Asia and I'm going to Bulgaria, Sofia. There I got a patent called Woman of the Universe and I'm going to represent over there. नेक्स्ट कहाँ कहाँ चले जाते हो तुषार धारीवाल जी, पूरी दुनिया घूम रहे हो। चलिए अब आपके सामने बुलाते हैं मिसेस जूही वर्मा भसीन। आइए नमस्ते, आई एम स्टार्टिंग फॉर इंट्रोडक्शन एंड अबाउट स्टार्ट सर एंड अबाउट मिसेस इंडिया। मैं यहाँ पे एज अ विनर ऑफ मिसेस इंडिया यूनिवर्स 2021 आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इन द वुमन ऑफ यूनिवर्स which is going to be held in October and hopefully I'll do the best with it. And what about representing international? Where are you going and what's it happening about that? Okay, I'm going to Bulgaria and I'm really excited about that. It's like a great platform, I think, to showcase ourselves and our talents, our potentials. So thank you so much, the entire team of Mrs. India Universe, which have already given us a platform. एक से एक लोग आ रहे हैं। अब आपके सामने बुला रहा हूँ मिसेस अनुपमा राव सॉरी अनुपमा राव फ्रॉम मैसूर कर्नाटक। भरतनाट्यम डांसर, आई एम प्राउड मदर ऑफ अ 20-year-old डॉटर एंड आई वर्क इन द पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर मैरिड वुमेन टू शोकेस देयर टैलेंट हियर सच अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म एंड I think all women should make use of this great opportunity and it happens once in a lifetime for us. Thank you. Professionally, Silence. I'm not supposed to be disclosed. I work in a public sector organization. बहुत सारे फंक्शन होते रहते हैं लेकिन पुराने चावलों की बात ही कुछ और होती है। तो राकेश अग्रवाल जी हैं हमारे पुराने चावल, उनसे बात करिए। पुराना बोल दिया, बासमती बोला नहीं, गोल्ड इज गोल्ड नहीं बोला। यस
राकेश सर ऑर्डर क्या कहना चाहेंगे मिसेस इंडियन यूनिवर्स के बारे में, तुषार सर के बारे में, और ये जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली मैरिड वुमेन के लिए कितना बड़ा प्लेटफॉर्म है? कुछ नया बोलना पड़ेगा ना, पुरानी डायलॉग्स व्हाटएवर यू वांट से अच्छा नहीं है। ये आज जो पेजेंट हो रहा है ये मिसेज इंडिया यूनिवर्स के इंटरनेशनल विनर्स के लिए क्राउनिंग का इवेंट है, जो हमारी 12 वुमेन्स पूरे इंडिया से सेलेक्ट होकर विनर हुई हैं, जो इंटरनेशनल जाएगी, इंडिया में वो जीत चुकी हैं, अब हिंदुस्तान से बाहर अलग अलग देशों में जाएंगी, उनकी आज क्राउनिंग सेरेमनी है और तुषार ने ये ऑर्गेनाइज किया है बहुत अच्छे तरीके से। श्रीपाल जैन जी इसके प्रेजेंटर हैं और आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं खूबसूरत महिलाओं के लिए क्राउनिंग करने के लिए। एक भी महिला नज़र नहीं आ रही है। और बोलिए बहुत अच्छा है। मेरा मानना है कि शादी के बाद औरतों को लगता है और उनके आदमियों को भी लगता है कि इनकी लाइफ खत्म हो गई, सीमित हो गई, इसके आगे ये कुछ भी नहीं कर सकती है। बट मेरा मानना है कि इस पेजेंट में जीतने के बाद उनकी ज़िंदगी का एक नया दौर शुरू होता है, एक नई रास्ता उनको मिलता है और वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। हमारे पीछे ही खड़े हैं, देखिए आप जितने छोटे हो गए हाइट है ही पहले से। First of all, I'll thank Sankit Productions and Tushar Dhariwal to invite me to such a beautiful event. And I wish all the contestants and the winner very, very good wishes from my end. And happy to see this kind of event happening. This is a season 5, I came to know. So it's amazing. Secondly, Mrs. India Universe. So I would say, Mrs. I can see such beautiful faces. I was not surprised to see them as a Mrs. So it's a good achievement and good contestant and very beautiful look. They have been very well dressed and I wish them all the best. So anything else you want to ask? Thank you, sir. अच्छा ये भी सही है। फेमस फैशन नाम सुख गया प्रभा जी। मैं स्टार्टिंग टू इंट्रोडक्शन अबाउट मिसेस इंडिया यूनिवर्सिटी अबाउट 2022 संकेत प्रोडक्शन। दोनों साथ करें एक ही कर लेंगे। हाँ साथ में साथ साथ चलिए रोल है चलिए प्रभात शुरू हो जाए। Hello everyone, this is actress Jyoti Yadav. I have done one film with Jimmy Shergill as the lead with Bhi Se Pyar Aapse Farar and congratulations Tushar Dhariwal for your lovely platform and for those girls who are going to participate in this platform. And I guess it's a lovely platform and those girls like who want to show your talent for India and for also international, right? So Hi, good evening everyone. I wish you I'm wishing Mrs. India Universe 2022, Mr. Rakesh Sabrawal and Tushar Dhariwal. It's a great effort for Mrs. You know, who want to participate in the beauty pageant. It's a great chance for, you know, for them visiting Singapore and different countries, especially US. So I think एक बहुत अच्छा platform है जिसमें काफी लोगों को जिनको chance मिलेगा after lockdown 20 दो साल जो
ऐसे घर पे बैठे निकले हैं, अब स्टेज पे बैठने का मौका मिला है. सो मिस्टर यूनिवर्स इंडिया 2022 ब्रिंगिंग एवरीवन ऑन स्टेज एंड दिस क्रेडिट गोज टू मिस्टर राकेश सरवाल, मिस्टर तुषार धारीवाल. जगह नहीं है, कुछ अच्छा पैर हटा लो. जगह नहीं है, ये वीडियो तो शूट हो रहा है ना, हो रहा है ये तो जल्दी चलने दीजिए. ये तो कम हो रहा है यहाँ पे, तो चल रहा है. Mrs. India Universe 2022. All the best of you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. This is Madhuri Paul, and today we are at the crowning of Mrs. India. So out of all the 40 women who were selected throughout India, six of them, the best one have been chosen, and they all have been sent to the international platform. So we are very excited for this event to start. Yes, today they will be crowned. This show is presented by Mr. Tushar Dhariwal and Shripal Jain. We are here just to congratulate and we are crowning from the winners. Prabhat. Talking about yourself, about your professional career. Yeah, yeah. सामने खड़ी है, इसके बाद आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत है क्या? खूबसूरत लड़की का कोई इंट्रोडक्शन नहीं होता, उसको देख लिया सर. अगर हम शो की बात करें ना, अच्छा रहेगा. एग्जैक्टली, देखिए जो लोग थोड़े नॉन रहते हैं ना, उनको ऐसे पूछते नहीं कभी कि आपका इंट्रोडक्शन दीजिए. आप गूगल पे जाके मेरा नाम सर्च कर लीजिए, आपको सब पता चल जाएगा. कोई छापोगे आप, इससे अच्छा है फोटो इज द इंट्रोडक्शन. थैंक यू. थैंक यू. अभी तो जरा अवेलेबल है. प्रवाल, सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन छह कंटेस्टेंट्स को जो हमारे देश को रिप्रेजेंट करने जा रही है. शुभकामनाएं. धन्यवाद. पूछ रही हूँ इतना बेहतरीन इवेंट जो हुआ आज. और मेरी फिल्म लव इन यूक्रेन, तो आशा करता हूँ आप सब देखने जाएंगे. ट्रेलर आज लॉन्च हो चुका है, तो आप सब उसे भी देखिए और अपना प्यार दीजिए. थैंक यू. बाइक के साथ ट्रेलर अटैच करिए सर. एक फोटो ले लेगा.